दोस्तों, क्या हो अगर आपने कुछ ही दिन पहले एक नया स्मार्टफोन परचेस किया हो 11,000 रुपए का, और आज के टाइम उसकी प्राइस देखो तो 8,500 रुपए में आपका दोस्त उसको खरीद रहा हो, तो ये तो आपके लिए एक बहुत ही बड़े घाटे का सौदा हो गया। तो यही सब कुछ चल रहा है आजकल ऑनलाइन स्टोर पर। कई सारे ऐसे स्मार्टफोन है जो की BBD सेल में तक इतने सस्ते नहीं हुए थे जो आज के टाइम पर हो गए हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ Realme C सीरीज के ऐसे स्मार्टफोन की जो की BBD सेल में भी ऑफर का यूज करने के बाद 9,500 रुपए के आसपास मिल रहा था, लेकिन आज के टाइम में विदाउट ऑफर आप इसे Flipkart से 9,000 रुपए में परचेज कर सकते हो। और अगर आपके पास एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो 500 रुपए के डिस्काउंट के साथ 8,500 रुपए में आपको ये स्मार्टफोन मिल जाएगा। तो मैं इस स्मार्टफोन को आपके लिए इसीलिए सजेस्ट कर रहा हूं दोस्तों, ये अपने ही सीरीज के कई स्मार्टफोन को भी बीट कर देता है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं Realme C55, एक बेहतरीन स्मार्टफोन बेहतरीन फीचर्स के साथ आता है। दोस्तों, इसमें आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलेगी और साथ ही 64 मेगापिक्सल का कैमरा, MediaTek Helio G88 का चिपसेट दिया गया है। ये Realme C51 जो 9,000 रुपए में मिल रहा है उससे बेटर है, नार्जो M53 से बेटर है और Realme C53 से भी बेटर है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे इसी की अनबॉक्सिंग, जानेंगे इसके स्पेसिफिकेशन, देखेंगे इसका लुक, डिजाइन, कैमरा कैसा है, तो यही सब कुछ आज की इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। चैनल पे आए हो फर्स्ट टाइम, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए यहाँ पर रेगुलर लाता रहता हूँ। तो सबसे पहले बॉक्स देखिए दोस्तों, येलो कलर का ये बॉक्स आता है, ब्लैक फॉन्ट में सारी डिटेल्स को मेंशन किया गया है, लेकिन मोबाइल का डिजाइन बॉक्स में आपको कहीं नहीं दिखेगा। बैक साइड में कुछ हाईलाइट फीचर्स जैसे कि 64 मेगापिक्सल कैमरा, 33 वॉट का सुपर बुक चार्जर, 5000 mAh की बैटरी, बहुत ही स्लिम स्मार्टफोन जिसमें आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट के साथ साथ फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाती है, MediaTek Helio G88 का चिपसेट दिया गया है। बॉक्स प्राइस को देखें तो दोस्तों 12,999 रुपए इसके बॉक्स पर प्राइस लिखी होगी, लेकिन मिलेगा आपको 9,000 रुपए का। दोस्तों, इसके अलग वेरिएंट भी आते हैं, 6GB 128, 8GB 128GB, उनके प्राइस पर कोई फर्क नहीं पड़ा है दोस्तों, लेकिन अगर आपका बजट हो रहा है 9,000 रुपए के आसपास, तब आपके लिए ये स्मार्टफोन बहुत बढ़िया रहेगा। तो चलिए फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग करना हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों, और अब इस बॉक्स को करते हैं ओपन। और जैसे ही हमारा बॉक्स ओपन होता है दोस्तों, तो सबसे ऊपर आपको एक मिनी बॉक्स रखा हुआ मिलता है दोस्तों, और ग्रेट स्टोरी सिंस द फर्स्ट लीफ लिखा हुआ है बॉक्स पर, नीचे रियलमी की ब्रांडिंग, बैक साइड में लगी है सिम इजेक्टर पिन, अंदर क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल आपको मिलते हैं, फोन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट TPU केस मिल जाता है, बहुत ही सॉफ्ट, 100-150 रुपए कवर के बच गए दोस्तों। इसके बाद रखा हुआ है स्मार्टफोन, इसे साइड रख के अंदर देखते हैं तो आपको एक बहुत ही बड़े साइज का हैवी चार्जर अडप्टर मिल जाता है जो है 33 वॉट का सुपर बुक, आधे घंटे में फोन को 50% चार्ज कर लेता है ये चार्जर। इसके बाद Type-A to Type-C USB केबल आपको इसमें मिलती है। और अब आते हैं स्मार्टफोन पर, इनहैंड फील, ये स्मार्टफोन हाथ में थोड़ा सा बड़ा और भारी जरूर फील होता है, लेकिन कंफर्टेबल है दोस्तों, आप अच्छे से हाथ में इसे कैरी कर सकते हैं। 5-होल डिस्प्ले आपको इसमें मिलती है, प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड इस पर लगा हुआ है दोस्तों, और बॉक्सी टाइप का है दोस्तों, कॉर्नर इसके राउंडेड होंगे और साइड में बिल्कुल फ्लैट, राइट साइड में पावर ऑन की, जस्ट ऊपर वॉल्यूम रॉकर और फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको इसके पावर ऑन की पर अटैच्ड मिलता है। ऊपर की साइड कुछ नहीं दिया गया है, ना ही इसमें आपको डुअल स्पीकर मिलते हैं, ना सेकेंडरी माइक नॉइस कैंसिलेशन के लिए दिया है। लेफ्ट साइड में मिलेगी सिम ट्रे, 2 SIM कार्ड और 1 मेमोरी कार्ड, तीनों एक साथ एक बार में आप लगा सकते हैं इस फोन पर। नीचे की साइड आपको मिलेगा 3.5mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर। इस स्मार्टफोन का बैक पैनल भी काफी कमाल का यूनिक सा लगता है दोस्तों, काफी अच्छी फिनिशिंग आपको इसके बैक पैनल में देखने को मिलती है, लाइट का रिफ्लेक्शन बहुत ही कमाल का, बिल्कुल फ्लैट बैक पैनल, प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी मिलती है, नीचे रियलमी की ब्रांडिंग, कैमरा मॉड्यूल भी इसका बहुत ही बढ़िया लग रहा है दोस्तों, 2 बराबर साइज के बड़े बड़े लेंस आपको नजर आ रहे होंगे, लेंस में काफी ज्यादा उभार भी दिया गया है दोस्तों। तो यहाँ आपको 64 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिल जाता है, 2 मेगापिक्सल का आपको इसमें एक डेप्थ सेंसर कैमरा विद LED फ्लैश लाइट दिया गया है, और फ्रंट में जो सेल्फी कैमरा है वो आपको 8 मेगापिक्सल का मिलता है, और मैट टाइप की फिनिशिंग है जिससे इस पर कोई फिंगरप्रिंट भी नहीं आते हैं। अब दोस्तों, सारे टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करने के बाद फाइनली हमारा स्मार्टफोन बूट हो चुका है। सबसे पहले तो इसकी ब्राइटनेस 100% कर लेते हैं ताकि डिस्प्ले और अच्छे से हमें देखने को मिल जाए। दोस्तों, 680 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस आपको इस स्मार्टफोन में मिलती है, आउटडोर हो या इंडोर हो इजिली आप इस स्मार्टफोन का यूज कर सकते हैं। एज और बेजल्स को देखें तो कॉर्नर ऊपर से पतले पतले हैं, हल्की चिन नीचे ज्यादा आपको देखने को मिलेगी, इतनी भी ज्यादा नहीं दी गई है दोस्तों। 5-होल डिस्प्ले आपको इसमें मिलती है, और दोस्तों ये 5-होल काफी सारा काम करती है दोस्तों, ये जो 5-होल है आई
आईफोन के जैसे डायनेमिक आइलैंड भी बन जाती है दोस्तों, जिसे रियलमी ने नाम दिया है मिनी कैप्सूल। अब हम इसे चार्जर से जैसे कनेक्ट करेंगे दोस्तों, तो ये पूरी पांच होल डिस्प्ले जो फैल गई है कैप्सूल बन गई है दोस्तों, और इसके अंदर काफी अच्छी लगती है जो डिटेल्स आ रही है, जैसे कि यहाँ पर सुपर बोक चार्ज लिखा हुआ आ रहा है, तो चार्जर की डिटेल इसके अंदर आ रही है। बाकी तो आपको नोटिफिकेशन भी इसके अंदर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको आइकन दिख रहे होंगे, जैसे ही आप स्क्रॉल अप करोगे तो सारे के सारे एप्लीकेशन भी आपको नजर आ जाती है। कुछ प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन भी दी गई हैं, इनको आप अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं, करनी भी चाहिए दोस्तों। इन एप्लीकेशन को ऑलरेडी सारी परमिशन मिली रहती है, बैकग्राउंड में खुद रन करती है, आपको नोटिफिकेशन भेज के तंग भी करती है, इसीलिए फ्रेश एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। टच बहुत ही स्मूथ लग रहा है दोस्तों मोबाइल का, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको स्मार्टफोन में मिल जाता है। चलिए अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले की, तो 6.72 इंच की आपको इसमें फुल HD प्लस IPS LCD मिलती है, जिसका एस्पेक्ट रेशो 20:9, स्क्रीन रेजुलेशन 1080x2400 पिक्सल, पिक्सल डेंसिटी 392 PPI की आपको इसमें मिल जाती है। 91.4% स्क्रीन टू बॉडी रेशो दिया गया है, 165.6 mm इसकी हाइट है, 75.9 mm की वेट और थिकनेस है मात्र 7.8 mm की, काफी स्लिम स्मार्टफोन है, 189.5 ग्राम का है दोस्तों, 5000 mAh की बैटरी इसके अंदर लगी हुई है। अब दोस्तों इसकी सेटिंग को हम ओपन करेंगे तो सेटिंग का इंटरफेस कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा, जहां पर आपको सारे के सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। हमें जाना है अबाउट फोन सेक्शन में, इसे ओपन करते ही रियलमी UI वर्जन 4.0 हमें नजर आता है, डिवाइस नेम नजर आता है, 64GB का स्टोरेज आपको दिया गया है दोस्तों। वैसे आज के टाइम में 64GB का स्टोरेज भी कुछ नहीं है दोस्तों, कम से कम 128GB का स्टोरेज फोन में होना चाहिए, बाकी तो आप इसमें बढ़ा सकते हैं वैसे स्टोरेज, 1TB का मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, 256GB का, 512GB का, कोई भी मेमोरी कार्ड यूज कर सकते हैं दोस्त। 2GHz का ऑक्टाकोर प्रोसेसर आपको इसमें दिया गया है और MediaTek Helio G88 का चिपसेट आपको मिलता है दोस्तों, जो बेस्ड है 12nm के फैब्रिकेशन पर, और Mali G52 के ग्राफिक आपको इसमें मिलते हैं। 4GB रैम आपको मिलती है दोस्तों, प्लस 1GB वर्चुअल रैम को मेंशन किया है, लेकिन जैसे ही आप रैम पर क्लिक करोगे तो आपको रैम एक्सपेंशन का ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ से आप रैम एक्सपेंड कर सकते हैं 4GB और, तो 4GB वाले को 8GB आप बना सकते हैं दोस्तों। इसके बाद हम देखें तो कैमरा डिटेल्स यहाँ पर मेंशन है, एंड्रॉयड 13 के साथ आता है ये स्मार्टफोन, और दोस्तों कंपनी ने वैसे दावा किया है एंड्रॉयड 14 भी इसमें आ जाएगा, लेकिन ये सिर्फ दावे ही रह जाते हैं। अब दोस्तों इसके कैमरा फीचर्स को हम देखें तो कैमरा में आपको काफी सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जिसमें हमारे पास स्ट्रीट मोड, वीडियो मोड, पोर्ट्रेट मोड, 64MP का कैमरा, स्लो मोड, आप प्रो लेवल की फोटोग्राफी करते हो दोस्तों तो इसमें प्रो मोड आपको दिया गया है, पैनोरमा मोड, 64MP का कैमरा अलग से दिया गया है, जिसमें ज्यादा MB की फोटो आती है, क्लैरिटी वही रहती है। बाकी दोस्तों अगर आपको यहाँ पर वीडियो शूट करनी हो इससे, तो आपको इसमें सपोर्ट मिलता है 1080p में 30fps और 720p में 30fps, साथ में 60fps का फ्रेम रेट भी मिल जाता है दोस्तों, तो 60fps में काफी बढ़िया वीडियो इससे शूट हो जाएगी, 2K 4K का सपोर्ट इसमें नहीं मिलेगा। बाकी जूमिंग आप इससे 10x तक की कर सकते हैं, और जूम क्वालिटी भी आपको अच्छी मिल जाती है, और फ्रंट कैमरा 8MP का काफी कलरफुल मिल जाता है दोस्तों। इसका फुल कैमरा टेस्ट हम दूसरे चैनल पे करेंगे दोस्तों, वहां जाके आप देख सकते हैं, प्रदीप नेगी नाम से आपको चैनल दिखेगा दोस्तों, वहां पर आजकल हम सभी स्मार्टफोन के कैमरा टेस्ट कर रहे हैं, जिससे आपको इजी हो जाए कैमरा को अच्छे से समझने में कि किसका कैमरा ज्यादा बेटर है। तो फ्रेंड्स ये स्मार्टफोन अगर आपको 9000 रुपए के रेंज में मिल रहा है आज की डेट में, तो आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया डील रहेगी दोस्तों, आप परचेस कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये 9000 रुपए को डिजर्व करता है दोस्तों। वैसे दोस्तों ये एक 4G स्मार्टफोन है, आप ये ना सोचे कि ये 5G स्मार्टफोन हो अब, लेकिन बजट रेंज के हिसाब से मेरी तरफ से तो बढ़िया स्मार्टफोन है दोस्तों। कैमरा अच्छा मिलता है आपको इसमें, डिजाइन बढ़िया है, प्रोसेसर अच्छा मिल जाता है, रैम स्टोरेज भी ठीक ठाक आपको इसमें दिया गया है, बाकी तो अपनी अपनी पसंद होती है दोस्तों। तो कमेंट बॉक्स में बताइए आपको कैसा लगा ये स्मार्टफोन, क्या आप इसे परचेस करना चाहोगे, तो आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी के जरूर कुछ ना कुछ काम आएगी, जिससे एक नया स्मार्टफोन परचेस करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली ऐसी अनबॉक्सिंग के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।